मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट बेटे. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए. नाउ वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर. आपको क्या करना है, इसके अंदर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है अगर ये पॉलिनोमियल जो है इस पॉलिनोमियल से क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो. तो यहाँ पे हम करेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स जो आपका डिवाइजर है उसे आप क्या करोगे, इक्वल टू क्या ले लोगे, जीरो. ठीक है, नाउ एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए आ गया, ये आपके पास वो रियल नंबर आ गया है ना. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, हमारी क्या थी थ्योरम, कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ए कोई रियल नंबर है, तो पी ए जो होगा वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा. लेट कर लो कि ये आपका क्या है, पी एक्स है ना. तो यहाँ पे अगर आप एक्स की जगह ए पुट कर दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, पी ए बन जाएगा, एंड दैट इज द रिमाइंडर. नाउ द पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए. नाउ पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए, पुट कर दोगे इसके अंदर क्या आएगा आपके पास, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए. नाउ ए क्यूब, अब ए ए के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वन होगा. बीच में अगर ब्रैकेट है, इट मीन्स यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का. तो वी हैव अ रूल, इफ बेसिस आर सेम, ओके, अगर आपके पास बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी. इट मीन्स ये आपका क्या बन जाएगा, ए रेज टू द पावर थ्री प्लस सिक्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज सिक्स ए माइनस क्या हो जाएगा आपका ए. ए क्यूब नेगेटिव, ए क्यूब पॉजिटिव, ये आपका कैंसिल हो जाएगा. सिक्स ए में से ए माइनस करोगे, आपके पास क्या बचेगा, फाइव ए, एंड दैट इज योर रिमाइंडर. ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम आप क्या करोगे, जो हमारा डिवाइजर होगा उसे आप इक्वल टू जीरो करके रियल नंबर फाइंड आउट करोगे. ओके, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जो आपके एक्स की वैल्यू आएगी उसे आप, जो हमारा डिविडेंड होगा उसके अंदर उस एक्स की वैल्यू को क्या करोगे, पुट करोगे. तो जो आपका आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा. ओके बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी बेटा 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके बेटा, बाय बाय.